देखिए स्टूडेंट, 70 शब्द का एक शब्द कि अगर आप इस 70 में 70 सीरीज से बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाना चाहते हैं तो टॉपर फिजिक्स जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा इस सीरीज का एक एक क्लास देखना शुरू करिए और देख लिए हैं तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ, जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको मैं फिर से कहूंगा कि कॉपी में एक एक क्वेश्चन को लिख करके आप लोगों को भेजना है मुझे। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 फिजिक्स का गेस सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव भी खत्म हो गया है। आज चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव के बाद कल से चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 4 पीएम में क्लास होता है मेरे बच्चों, और ये हमारा नया वाला एमिंग है, या फिर नीचे वाला देखिए जिसमें न्यू का लोगो लगा हुआ है, प्ले स्टोर से ना डेरिवेशन या जो भी चीजें मिलती है उसके लिए ये नया वाला ऐप इंस्टॉल करिएगा, पुराना वाला मत करिएगा। चलिए तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और, टेलीग्राम चैनल टॉपर फिजिक्स के नाम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां बहुत सारा चीज मिल जाएगा। ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पे क्वेश्चन लिख करके आप लोगों को भेजना, और बहुत सारे बच्चे भेज भी रहे हैं, कम्युनिटी टैब में नाम भी डालूंगा, और नया वाला ऐप जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, सब बच्चों जानते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसका उदाहरण दे। फिर कह रहा है कि हरेक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो क्या है, और इसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक लिखना, ठीक है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हैं बच्चों, ये कोई अलग से कुछ बहादुर चीज नहीं है कि हमको आपको नहीं आएगा, आप हंस के बना दीजिएगा इसको। जैसे चार्ज तो आप लोग जानते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो कहीं भी जितने मात्रा में माइनस चार्ज उतने मात्रा में ही प्लस चार्ज रखते हैं तो उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। आंसर भी मैं लिखा हुआ दूंगा इसके बाद अगले पेज में, अभी मैं दे रहा हूं, ठीक है, पहले समझा देता हूं। तो जितने का माइनस उतने का चार्ज होगा बच्चों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, कुछ दूरी से रख देते हैं, बस ध्यान रहे कि जितने का माइनस उतने का प्लस, जैसे मान के चले कि -10 कूलम है तो +10 कूलम होगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब हरेक इलेक्ट्रिक डायपोल का अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो क्या होता है, तो दोनों उसको पी से दिखाते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, तो दोनों में से कोई एक चार्ज ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए उसका मान लेना है, और दोनों चार्ज के बीच के दूरी जितना है उससे गुणा कर दीजिए। अगर दूरी को d से दिखाते हैं तो q into d, कई बार दूरी को 2d से दिखाया जाता है तो उस समय p की वैल्यू हो जाएगी q into 2d। तो समझ में आया विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जितने का माइनस उतने के प्लस चार्ज का एक सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव। और मेरे बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो हरेक द्विध्रुव का कोई भी चार्ज और उसके बीच की दूरी, जब देखिए इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है तो सोचिए तो कि चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, दूरी का मीटर, तो इसका एसआई मात्रक हो गया कूलम्ब मीटर, इसको सेंटीमीटर मत पढ़िएगा, रट के पढ़ना नहीं है, कूलम्ब मीटर है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका हम दिखा देते हैं आंसर आप लोगों को। अच्छा एक चीज और जानते हैं, ये जो हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाले या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाले ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन दिशा ना माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, इधर से इधर, माइनस से प्लस, P जो होता है ना वो वेक्टर सदिश राशि है, उसका चार्ज माइनस से प्लस की ओर होती है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, चाहे तो हिंदी वाले बच्चे भी रोक के पढ़ भी सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं, देख लीजिए वही लिखा हुआ, विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश का निकाय होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, इंग्लिश में भी आंसर दिखा रहा हूं, इसको चाहिएगा तो नोट करते चलिए, रोक रोक के मैं तो ये कहूंगा कि नोट करते चलिए, और कुछ बच्चे जो नहीं चाहते हैं कि सर हम नोट नहीं करें मेहनत नहीं करें उनको मैं कहूंगा बच्चे एग्जाम हॉल में पता चलेगा, एक तो आप साल भर मेहनत नहीं ना किए, अभी भी नहीं ना करना चाहते हैं, पता चल जाएगा, चलता है पता, नहीं लिखिएगा तो पता चलेगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ रहे हैं ना तो अच्छा से पढ़िए, थोड़ा समय देकर के पढ़िए। चलिए बच्चों हो गया ये नोट इंग्लिश में भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा है अस्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, ठीक है, इसका एक उपयोग लिखना है, और उसके बाद कह रहा है कि कोई भी मशीन होता है उसमें तीखा कोर या नोक क्यों नहीं छोड़ते, यानी पॉइंटेड पोर्शन क्यों नहीं छोड़ते चार्ज वाले मशीन में। तो सबसे पहले देखिए वैद्युत परिरक्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम बताते हैं क्या होता है, समझिए। देखिए मान के चलिए कोई यंत्र है आपके पास या कोई डिवाइस है, ठीक, या कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये डिवाइस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा ना तो ये डिवाइस हो जाएगा खराब, ऐसा आपके पास डिवाइस है जिसमें इसमें बारिश अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र पड़े तो डिवाइस में खराब हो जाएगा, ऐसा आपके पास डिवाइस है, और आप जो काम कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रहे हैं, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका डिवाइस खराब ना हो जाएगा, तो अब आप उसको कैसे बचाइएगा, तो आपको उस डिवाइस को ऐसे जगह में रखना पड़ेगा जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई विद्युत क्षेत्र ना हो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से वो खराब हो जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि मान के चलिए मेरे बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत सारा यहां,
अब आप क्या करेंगे, उस डिवाइस को एक खोखला कंडक्टर के अंदर रख देंगे। मान के चलिए डिवाइस है, कुछ डिवाइस ऐसे इस खोखला चालक के अंदर रख देंगे। खोखला चालक के अंदर रखने से क्या होता है आपको तो पता ही होगा कि खोखला चालक के अंदर में जो विद्युत क्षेत्र होता है जीरो। तो इसी घटना को बोलते हैं वैद्युत परिरक्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना, बचाना, समझे। तो अगर परिभाषा या डिफिनेशन में बोले तो ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा जगह बनाना जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं वैद्युत परिरक्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक, इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में खोखला कंडक्टर चालक को रखते हैं, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो चारों तरफ तो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका उपयोग है कि ऐसे यंत्र को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से बचाया जाता है, ऐसे डिवाइस को बचाया जाता है वैद्युत परिरक्षण से, जिसपे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा तो वो खराब हो जाएगा। क्लियर इतना। अब देखिए वैद्युत में अगला प्रश्न है कि नुकीला कोर क्यों नहीं छोड़ता विद्युत मशीन में, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मशीन होता है। देखिए सुनिए, जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा मशीन है ऐसा, और उसमें यहां पे नुकीला कोर है, देखिए ऐसा नुकीला है, ठीक है, और ये पूरा आवेशित है, ऐसे करके आवेशित है, तो नुकीला कोर इसलिए नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि आप चेक पढ़े होंगे कि किसी भी चालक के लिए, क्योंकि ऐसी मशीन जो है वो चालक यानी कंडक्टर से बनेगा, तो आप पढ़े होंगे कि चालक के सतह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। और सोचिए तो सिग्मा की वैल्यू कितना होता है, सिग्मा होता है सतह का आवेश का सतह घनत्व, याद करिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा होता है चार्ज बटा क्षेत्रफल, दिमाग में थोड़ा डालिए, देखिए सिग्मा होता है चार्ज बटा क्षेत्रफल, चार्ज बाय एरिया। तो सोचिए तो ये जो नुकीला कोर है यहां पे एरिया बहुत कम होता है ना, तो एरिया कम होने से ये चार्ज का डेंसिटी यानी घनत्व नुकीला कोर पे सबसे ज्यादा होगा। और जब चार का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, सिग्मा सबसे ज्यादा होगा नुकीला कोर पे, तो वहां विद्युत क्षेत्र भी बहुत ज्यादा होगा। यानी आपसे कोई चालक दे दे और बोले कि जहां पे ऐसे फ्लैट है और जहां पे नुकीला है कहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, तो आप बता सकते हो नुकीले पोर्शन पे सबसे ज्यादा होगा बउआ। इसलिए नुकीला पोर्शन पे होगा क्योंकि नुकीला पोर्शन पे आवेश का घनत्व चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा। अब सोचिए कि यहां पे अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो चार्ज है यहां पे अगल बगल का चार्ज वो यहां से रिसना शुरू होगा। रिसना मतलब कि जो नुकीला पोर्शन उससे बाहर निकल निकल के हवा में मिलना शुरू होगा। तो जैसे मान लीजिए हवा है, हवा में ये प्लस चल गया, यहां से प्लस ही हवा में चल गया, तो जो बाकी दूसरा प्लस होगा, दूसरा चार्ज इस हवा वाले चार्ज को धक्का देगा, तो हवा उधर चल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहां इतना नुकीला विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा कि आवेश बाहर रिसने लगेगा, बाहर रिसने लगेगा मतलब निकलने लगेगा, निकलने के कारण अगल बगल का हवा क्या करेगा, उस आवेश को ले लेगा, या हवा पे आवेश चला जाएगा, तो और जो दूसरा आवेश होगा उस हवा को धक्का दे देगा। यानी कि उस तरह से फिर दूसरा हवा आएगा, फिर आवेश लेगा, फिर और जो आवेश होगा उसको धक्का दे देगा। इस तरह से पूरा आवेश धीरे धीरे करके रिस जाएगा और खत्म हो जाएगा, यानी पूरा मशीन डिस्चार्ज होगा। और हमको चार्ज वाला मशीन है, चार्ज का उपयोग करना है, अब पूरा चार्ज हवा में बर्बाद हो गया, लीकेज हो गया चार्ज का। इसलिए कभी भी नुकीला कोर नहीं छोड़ा जाता। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि आपको एक गोलाकार चालक को आवेशित करके हवा में रख दिया गया, और एक मान लीजिए बम भोले शंकर जी के त्रिशूल होता है, उनको उसको इस त्रिशूल को आवेशित करके हवा में छोड़ दिया गया या चार्ज करके, तो पहले डिस्चार्ज कौन होगा या पहले अपने आप अनावेशित कौन होगा, नुकीला वाला, क्योंकि नुकीला वाला से चार्ज रिसता है। समझ में आ गया सब चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझ में आ गया ना, क्या कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा जगह बनाना जहां कोई विद्युत क्षेत्र ना हो, और उसके लिए क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में खोखला कंडक्टर रख देंगे, चालक तो उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और उसका उपयोग वैसे मशीनों को बचाने के लिए करते हैं जिसमें जिसका पे बाहर से विद्युत क्षेत्र पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा, तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और नुकीला कोर इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि नुकीला कोर रहेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, वहां से चार्ज बाहर निकल जाएगा। चलिए आंसर लिख लीजिए, देखिए ये और ये पूरा चाहे तो आंसर आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी आंसर, देखिए लिखते चलिए भाई लोग, देखिए एग्जाम, फिर उसके बाद ये इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए, जब एग्जाम आप लोगों का पड़ेगा तो देखिएगा कई सारे बच्चे ऐसे होंगे, हर साल का मेरा देखा गया है कि बच्चे बोलते हैं सर काश हम पढ़ लिए होते, अब काश करने से का आकाश से नंबर आएगा, अब काश करने से क्या, मेहनत करना पड़ेगा भाई लोग। हाँ, दोस्त को जरूर बताइएगा, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है मुझे, क्योंकि देखिए YouTube तो सपोर्ट मुझे करता नहीं है, कई सारे चैनल के वीडियो को YouTube ऑटोमेटिक नए नए स्टूडेंट तक पहुंचाता है, मेरे चैनल को तो पहुंचा नहीं रहा है, तो आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करिएगा। क्वेश्चन देखिए अगला देख लीजिए मेरे बच्चों, क्या कर रहा है, किसी चालक के धारिता से क्या समझते हैं। जैसे कोई भी चालक है तो आप कैपेसिटर में सुने होंगे, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस
कि कैपेसिटेंस कैपेसिटर या कंडक्टर का क्या होता है, तो जानते हैं इसका आंसर पहले समझा दूं कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी कैपेसिटर है तो सब कंडक्टर या सब कैपेसिटर के पास ना चार्ज को जमा करने का अपना अलग अलग क्षमता होता है। कोई ज्यादा चार्ज जमा करता है, कोई कम चार्ज जमा करता है, या एनर्जी, चार्ज जमा करेगा तो एनर्जी यानी ऊर्जा भी जमा करेगा कोई भी चालक, जैसे चालक को आवेशित कर दिए तो आपको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि आवेशित करने से यह ऊर्जा भी जमा करता है, और ऊर्जा का जो मान होता है वो 1/2 cv² या ½ qv भी होता है, 1/2 qv या q²/c भी होता है, ½ q²/ca भी होता है। तो कोई भी चालक को या कोई भी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो ऊर्जा जमा करेगा, ठीक है, या चार्ज जमा करेगा, तो चार्ज या ऊर्जा जमा करने का जो क्षमता होता है ना सबका अपना अपना अलग अलग, जैसे किसी को 2 रोटी खाए के क्षमता, किसी को 20 रोटी खाए के क्षमता है, कभी कभी देखते हैं कोई लिक रहेगा, छाल जानते हैं छाल, हम जीलो फिगल मेंटेन किए हैं, छाल कर रहे हैं छाल, अब पुलअप से हवा आया छाल तो उल्के पश्चिम चल गए छाल, ए जी चक्कल आ गया चक्कल आ गया, थोड़ा सा छत पे चढ़ने के बाद ए जी घुमारी आ गया घुमारी आ गया, तो और करो जीरो फिगर मेंटेन मत खाओ। अरे भैया जीरो फिगर मेंटेन किया जाता है कष्ट के धर्म के खाना खा के खूब एक्सरसाइज करके, ना कि खाई के खाइबे ना करेंगे जीरो फिगर मेंटेन करेंगे, सही तरीका थोड़ी हुआ, सही तरीका रगाड़ के खाइए एकदम हमच हमच के खाइए, खूब एक्सरसाइज करिए, उसको खर्चा करिए, फिर देखिए तब ना शरीर सेफ में रहेगा, तो खाइबे ना करेंगे पूरब से हवा आएगा पश्चिम चल जाएंगे, तनी सुन 10 बज जाएगा, आ बीपी लो हो गया बीपी लो हो गया, चक्कर आ गया, कहने गला हमारा मरदवा, कहने गला हमारा मरदवा, पकड़ा 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 पकड़ा, अब मर्द अगर ना पकड़ा तो बोल दिया आ हा 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 आप तो बदल गए, तो भैया आप अपना खुद बीमारी ले रहे हो। खैर तो मैंने बोला कि सबका अपना अपना, जैसे रोटी खाने का क्षमता होता है सबका, और वैसे ही हमारा बच्चा होता क्या है ना कि चालक का भी ऊर्जा जमा करने का सबका अपना अपना क्षमता होता है, तो इसी क्षमता को बोलते हैं कैपेसिटेंस या फिर बोलते हैं मेरे बच्चों धारिता, ठीक है। और उसके लिए फॉर्मूला ऐसे होता है कि जो चार्ज क्यू होगा ना इस पे वो सी भी के बराबर होगा, पढ़े होंगे तो यहाँ सी भी होता है विभवांतर, तो सी इक्वल टू यहां से आ जाएगा क्यू बाई भी, ये देखिए C बराबर क्यू बाई वी, तो धारिता यही हो गया। तो कोई पूछ देगा धारिता तो बोलिएगा कि चार्ज या ऊर्जा जमा करने का जो क्षमता होता है उसको बोलते हैं धारिता, और C की वैल्यू क्यू बाई भी होती है। हाँ इसका मान बोल सकते हैं क्या कि अगर 1 वोल्ट विभवांतर भी बढ़ाने के लिए अगर भी की वैल्यू 1 वोल्ट हो तो उसके लिए जो क्यू चाहिए वो सी के बराबर होगा। नहीं देखिए ना सी बराबर क्यू बाई भी, तो क्यू हो गया क्यू, अभी की वैल्यू अगर 1 करेंगे तो सी बराबर क्यू नहीं हो जाएगा। वही कह रहा हूं कि 1 वोल्ट इसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा वही सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए किस किस चीज पे ये धारिता जो है कैपेसिटेंस ये निर्भर करता है, किस किस चीज पे कैपेसिटेंस किस किस चीज पे निर्भर करता है, देखिए तो समझिए। पहला तो आप लोगों ने सुना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसे करके उसका कैपेसिटेंस भी सुने होंगे कि प्लेट के बीच अगर हवा है तो εo/d, और हवा के अलावा कोई दूसरा माध्यम रख दिए तब हमारा εo/k हो जाता है। देखिए तो धारिता तो सबसे पहले ए यानी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि नहीं, सोचिए तो एरिया पर निर्भर नहीं करता, एरिया पे प्लेट का एरिया ज्यादा रहेगा तो अलग होगा, प्लेट के बीच की दूरी डी पर भी निर्भर करता है, और प्लेट के बीच जो माध्यम रखें अलग अलग, हवा रखेंगे तो अलग, कोई दूसरा पर अवैधुत पदार्थ रखेंगे यानी डायलैक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो अलग 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 अलग, तो उस पर भी निर्भर करता है। तो 3 चीज बता दिया, क्षेत्रफल, प्लेट के बीच दूरी और प्लेट के बीच माध्यम, और चौथा निर्भर करता है कि कैसा वाला कैपेसिटर है ना, पैरेलल प्लेट है या गोली है यानी स्फेरिकल है या बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल है, कैसा है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। और एनर्जी का फार्मूला कह रहा है लिखने, तो वो तो मैंने पहले ही लिख दिया, चलिए देख लीजिए आंसर, लिख लीजिए इसको खट से, पहले आप ये वाला नोट कर लीजिए हिंदी में इसका आंसर, ठीक है। अब इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए, वही जो मैंने समझाया कि कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटी, और इसका वैल्यू जो देखिए ना मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका जो मान होता है चालक का वो 1 वोल्टेज विभवांतर बढ़ाने के लिए जो आवश्यक होता है उसके बराबर। और एग्जाम में ना कुछ कुछ अगर एक्स्ट्रा पता है तो जरूर लिखिएगा, उससे एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा लेकिन नंबर कटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, नंबर कटता नहीं है। जैसे पता है कि हमको धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, कैपेसिटेंस का वो लिख दिए, फार्मूला लिख दिए सी बराबर क्यू बाई भी होता है, एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी होता है वो लिख दिए, तो ये सब लिख सकते हैं। चलिए हो गया अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िए, कह रहा अध्रुवी तथा ध्रुवी प्रवैधुत क्या है, देख लीजिए यानी कहने का मतलब अध्रुवी का मतलब नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक और ध्रुवी का मतलब पोलर डायलैक्ट्रिक, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक और पोलर डायलैक्ट्रिक क्या है, ठीक है बच्चों।
फिर कह रहा है कि प्रावैधुत सामर्थ और सापेक्षिक प्रावैधुता की परिभाषा दे। ठीक है, उसके बाद शुष्क वायु को। पहले हम देखते हैं कि अध्रुवी यानी नॉन पोलर क्या होता है। देखिए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो जानते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। अभी मैं बोल रहा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के प्लेट के बीच अगर रखेंगे ना, तो उससे उसकी कैपेसिटेंस यानी हिंदी में बोले तो धारिता बढ़ जाता है, यानी वो ज्यादा चार्ज जमा करता है। ठीक है, तो अध्रुवी यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को वैसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं जिसका जो अणु या परमाणु है, देखिए कोई मान के चलिए कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मान के चलिए यही हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, छोटा सा है, कुछ पेन ड्राइव है, तो इस ये भी तो अणु परमाणु से बना हुआ होगा। तो जो अर्धध्रुवी डाइलेक्ट्रिक होगा उसके अणु का प्लस का केंद्र, यानी अणु में जो प्लस आवेश होता है पॉजिटिव, उसका केंद्र, अब माइनस, जैसे अणु है इतना बड़ा, तो इसमें प्लस 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 फैला हुआ होगा, मान के चलिए बोल रहा हूं, तो प्लस का कहीं केंद्र यहां होगा, माइनस भी ऐसे कहीं फैला होगा, तो माइनस का भी कहीं केंद्र होगा, तो प्लस का केंद्र माइनस का केंद्र एक ही जगह पे रहता है अध्रुवी में। याद रखिएगा, अध्रुवी में वो प्रावैधुत अध्रुवी या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक है जिसके परमाणु यानी कहने का मतलब अणु यानी मोलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का एक ही जगह पे सेंटर होता है। ठीक है, और पोलर यानी कहने का मतलब ध्रुवी, देखिए ध्रुवी वो होता है जिसमें परमाणु का प्लस कुछ अलग दूरी पे या माइनस कुछ अलग दूरी पे रहेगा। तो अब देखिए, अगर इसमें बात करेंगे ध्रुवी में, तो प्लस का केंद्र अलग है माइनस का केंद्र, यानी प्लस माइनस का सेंटर अलग, प्लस का सेंटर अलग है, और किसी भी मॉलिक्यूल में जितने का माइनस उतने का प्लस होता है, तो इसका कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी तो हो जाएगा। चार्ज इनटू दूरी, अभी जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव कि जितने का माइनस होगा उतने का प्लस को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, और उसके बाद इसमें प्लस और माइनस के बीच कुछ दूरी भी है, तो दूरी है तो कुछ ना कुछ क्यू भी है और दूरी भी है, तो कुछ ना कुछ पी की वैल्यू आएगी ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। लेकिन इसमें प्लस माइनस इसमें भी है, लेकिन एक ही जगह पे है, इसलिए दूरी जीरो है, तो अगर आप पी निकालेंगे इसका तो क्यू इंटू डी करेंगे तो डी की वैल्यू जीरो है, इसलिए इसका पी की वैल्यू जीरो होगा। तो याद रखिएगा यह चीज कि जो हमारा अध्रुवी यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है बचवा, उसका पी जीरो होता है और उसमें प्लस का, उसके अणु यानी मोलिक्यूल के प्लस का सेंटर माइनस का सेंटर एक ही जगह पे होता है, और पोलर यानी ध्रुवी में के मोलिक्यूल का प्लस माइनस का सेंटर कुछ दूरी पे रहता है, मोलिक्यूल में जो प्लस माइनस है उसका सेंटर, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब देखिए, करा प्रावैधुत सामर्थ्य, ठीक है, क्या है, देखिए प्रावैधुत सामर्थ्य क्या होता है, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आप सुनिए, एक होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एक होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दोनों अलग अलग चीज है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसके से दिखाते हैं, जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच अगर हम डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इनटू के होता है। याद करिए, धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा आपको, याद है कि कैपेसिटेंस सी की वैल्यू हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इनटू के, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या हिंदी में बोले तो बच्चों प्रावैधुत सामर्थ्य, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है कि और ये अलग चीज है। देखिए, प्रावैधुत सामर्थ्य क्या होता है कि जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है यानी प्रावैधुत पदार्थ है जिसको कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रखते हैं तो धारिता बढ़ता है, तो उसका एक क्षमता होता है कि वो कितना विद्युत क्षेत्र बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि बर्दाश्त करने से ज्यादा विद्युत क्षेत्र अगर वहां अप्लाई कर देंगे ना, तो उसका जो मोलिक्यूल है उसका प्लस माइनस अलग अलग हो जाएगा बल लगने के कारण, मोलिक्यूल पे फोर्स लगने के कारण। तो मैक्सिमम जो विद्युत क्षेत्र बर्दाश्त कर सकता है उसको बोलते हैं प्रावैधुत सामर्थ्य। अगर उससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस समय मॉलिक्यूल का या एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और उससे भी करंट बहने लगेगा, यानी जो कुचालक पदार्थ है ना उससे भी करंट बहने लगेगा, और जो ड्राई आयर एयर होता है शुष्क वायु, उसके लिए मेरे बच्चों होता है 3 × t। ये अच्छा, एक चीज और पूछ रहा है, सापेक्षिक प्रावैधुता क्या है, तो ये तो जान गए प्रावैधुत सामर्थ्य, सापेक्षिक प्रावैधुता तो चैप्टर बन ही में पढ़े होंगे कि किसी भी माध्यम का जो सापेक्षिक प्रावैधुता होता है, एप्सिलॉन आपसे दिखा दे, रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है उस माध्यम का प्रावैधुता डिवाइडेड बाय वायु की प्रावैधुता, यही ना होता है। देखिए, किसी मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे मान के चलिए हम तेल का निकाल रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक प्रावैधुता, तो क्या होगा, तेल का प्रावैधुता डिवाइडेड बाय वायु की प्रावैधुता। चलिए आंसर देख लीजिए इसका, ये देखिए आप ये नोट कर सकते हैं, शुष्क वायु के लिए 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम्ब होता है। तो याद रखिएगा कि जो ही मैंने बोला ना प्रावैधुत सामर्थ्य, वो विद्युत क्षेत्र होता है जितना वो बर्दाश्त कर सकेगा, इसको भी नोट कर लीजिए, हो गया।
चलिए एक सबसे लास्ट में ये वाला फॉर्मूला हमको प्रूव करना है, E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है दो नंबर रिबा में, और इसी में एक न्यूमेरिकल भी दिया है कि भी की वैल्यू दे रखी है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव की वैल्यू दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है x बराबर 2 पर। देखिए विद्युत क्षेत्र x बराबर 2 पे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम प्रूव करते हैं, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। मानकर चलिए बच्चों इधर हमारा विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई आवेश को छोटा सा डिस्टेंस dx से लाते हैं इधर से इधर, या एक काम करते हैं मैं यहां लिखा हुआ ही दिखा के प्रूव कर देता हूं, तब तो समझ में आ जाएगा। देखिए मान के चलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बिंदु A से B तक जिसका लेंथ dx है, काफी छोटा सा दूरी dx, इसमें हम कोई छोटा सा आवेश लाते हैं dq के बराबर। देखिए लिखा, माना कि विद्युत क्षेत्र A से B dx स्थिति पर कम दूरी पर स्थित है, जो किसी आवेश q से A से B तक लाते हैं। तो देखिए, तो एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि लाने में जो काम करना पड़ेगा dw वो v इंटू dq के बराबर होगा। ये फार्मूला कहां से निकला, तो v बराबर आपने पढ़ा होगा wyq, और इसी को डिफरेंशिएशन में लिख सकते हैं dwyq dq, तो dw निकालेंगे तो v इंटू dq के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। और अच्छा ठीक है, एक चीज यहां से निकल गया कि जो dw होगा q इंटू dv होगा, ठीक है, q इंटू dv, उल्टा लिख दिया यहां, हम q चार्ज को ला रहे हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस q इंटू dv होगा। तो यहां से dw की वैल्यू, क्योंकि देखिए डिटेल में इसको समझना है ना, तो नया वाला एमिंग हाई ऐप पे चले जाइएगा, यहां शॉर्टकट बता देता हूं, dw की वैल्यू q इनटू dv हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एक चीज आपने यहां से अगर dv निकालेंगे, dv की वैल्यू वोल्टेज जिसको बोलते हैं, तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dw/q, यही ना हो जाएगा dw/q। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि बल जो लगेगा F बराबर q इनटू e, और आपने एक चीज और पढ़ा होगा 11th में कि जो बर्गडन का फार्मूला होता है वो ये होता है F.dx cos थीटा थीटा 180 का, इसलिए क्योंकि हम चार्ज को इधर ला रहे हैं, फोर्स उधर लग रहा है, तो हमारा जो ये फोर्स की dw की वैल्यू हो जाएगी माइनस qedx। तो ये जो यहां से dw निकला और ये जो माइनस qedx के बराबर हुआ, ये दोनों को बराबर कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए एक dw निकला q into dv, और dw की वैल्यू यहां पे रख दिया, जो हम लोग 11th वाले फार्मूला से निकाले, दोनों को बराबर कर देंगे q से q, मैं समझ रहा हूं कि कई सारे बच्चों को हो सकता है समझ में ना आए, तो यहां से e निकालेंगे, तो देखिए माइनस dv/dx हो जाएगा, हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि निकालिए मेरे बच्चों विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, अगर v दिया हुआ है तो v कितना दिया हुआ है, v की वैल्यू दे रखी थी कितना दिया था, 2x प्लस, इसको ना एक बार आराम से देख लीजिएगा, देखिए 3 प्लस 2x है ना v की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था इक्वल टू कितना होता है, माइनस dv/dx, आप पढ़े होंगे ऐसे डो होता है, लेकिन हम लिख सकते हैं 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का 2, सॉल्व कर देंगे माइनस 2, तो e की वैल्यू आ गई माइनस 2। और ये देखिए x पर निर्भर नहीं कर रहा, यानी हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 2 होगा, माइनस 2 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2 का होगा लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव x की ओर होगा। तो आप चलिए एक काम करिए, इसे नोट भी कर लीजिए, प्रूव करने वाला है दो नंबर में, हो सकता है आ जाए, या न्यूमेरिकल जो है वो आ जाए, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे चांस कम है, और इसको भी नोट कर लीजिए। फिगर यहां देखिए छूट गया, यही वाला फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, फिगर यहां छूट गया है, ओके। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आप समझ गए होंगे, इन सारे क्वेश्चन को अपने दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, और जो मैंने बोला ना, देखिए शेयर करिएगा, बताइएगा जरूर दोस्त को, स्टेटस में लगाइएगा, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। और मेरे बच्चों अगले क्लास में जो चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 का, उसके पहले इसका वन शॉट डाल देंगे चैप्टर 3 का, तो चैप्टर 3 का पहले वन शॉट कर लीजिएगा, तब ऑब्जेक्टिव डालिए पढ़िएगा, ओके। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, दिल लगा के पढ़िए अंतिम तक, और प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहां तक आए हैं तो जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, थैंक यू, खूब दिल लगा के पढ़िए शेर लो।